हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम ऐसे 10 स्टेप्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आप फॉलो करके फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं, मतलब आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। इस 10 स्टेप प्रोसेस को बुक फाइनेंशियल फ्रीडम से लिया गया है जिसे ग्रैंड सबेटर ने लिखा है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये समझें कि आप आज कहां हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि आप आज कहां हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर सकते। ये देखना कि आपके ऊपर कितना कर्जा है, आपके पास कितनी सेविंग नहीं है, आपको कितने पैसों की जरूरत है, इसे निकालना काफी डिप्रेसिंग हो सकता है, लेकिन सही डायरेक्शन में बढ़ने के लिए ये काफी वैल्यूएबल स्टेप है। अपने सारे कर्जों की लिस्ट बनाएं, मॉर्गेज, स्टूडेंट लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड्स और बाकी के कर्जे जो आपके ऊपर हैं, और उन पैसों को भी मत भूलिए जो आपने अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर से लिए हैं। अब एक गहरी सांस लीजिए, एक और गहरी सांस लीजिए। अब उन सारे नंबर्स को ऐड कीजिए, आपके ऊपर टोटल कितने का कर्जा है। अगर नंबर काफी बड़ा है तो घबराइए नहीं, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं हम आपके साथ कुछ ऐसे तरीके शेयर करेंगे जिससे आप वो सब कर्जा पे कर पाएंगे। अगर ये एक छोटा नंबर है तो आपको बधाई हो। अब जितना भी पैसा आपने सेव किया है उस पर एक नजर डालिए। सारी सेविंग की एक लिस्ट बनाइए, सेविंग अकाउंट्स, स्टॉक्स, कंपनी स्टॉक मैचिंग प्रोग्राम्स, कंपनी रिटायरमेंट मैचिंग प्रोग्राम्स और रिटायरमेंट प्लान्स। अब इसके बाद हम मंथली रिकरिंग पेमेंट को ऐड करेंगे जो आपको सैलरी, साइड हसल मनी और बाकी चीजों से मिलती है। इस नंबर को अपने दिमाग में रखें क्योंकि हम फाइनेंशियल फ्रीडम टिप्स का यूज करके इन्हें यूटिलाइज करेंगे। पैसे को पॉजिटिवली देखें। कर्जा थोड़ा बहुत डिस्करेजिंग हो सकता है, मगर याद रखें कि पैसे एक अच्छी चीज है। भले ही आपको ऐसा लग रहा हो कि आज ये एक बर्डन है, आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना डिजर्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू बुक यू आर अ बैड एसेट मेकिंग मनी, जिसे जेन सिंसियरो ने लिखा है, जो लोग ज्यादा पैसे नहीं कमाते हैं वो पैसा कमाने के लिए शर्म फील करते हैं, और जब पैसा कमाने की बात आती है सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल जो बहुत लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि उन्हें लगता है कि पैसा होना बुरा है। बहुत लोग गिल्टी फील करते हैं कि उनके पास पैसा है, और बहुत लोग इस बात से गिल्ट फील करते हैं कि उन्हें और पैसा चाहिए। सिंसियर ने कहा है, हम इसे अपनी लाइफ को एनहांस करने के लिए रोज यूज करते हैं, लेकिन तब भी हम इसके नेगेटिव साइड पर फोकस करते हैं। पैसा एक नेसेसिटी है, खाने और पानी की तरह। ये आपको हेल्प करती है ऐसी चीजें खरीदने में जिससे आप जिंदा रह पाएं और वैसी लाइफ अफोर्ड कर पाएं जैसी आपको चाहिए। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम को एक्सपीरियंस करना है तो आपको पैसे को एक टूल की तरह देखना होगा जो आपको अपने ड्रीम्स को अचीव करने में हेल्प करेगा, जो आपको एनर्जी देगा और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने में हेल्प करेगा। क्योंकि अगर आप पैसे को नेगेटिवली देखेंगे तो आप सबकॉन्शियसली खुद को सबोटेज कर लेंगे और पैसा कमाने और उसे रखने के अपने चांसेस को कम कर देंगे। अपने गोल्स को लिखें। आपको पैसा क्यों चाहिए? आपको पैसा चाहिए ताकि आप अपने कर्जे को दूर कर पाएं। क्या आप अपनी 9-to-5 जॉब को छोड़ने के लिए डेस्परेट हैं? या फिर कोई जगह है जहां आप हमेशा से ट्रैवल करना चाहते थे? क्या आपको वेडिंग, किड्स और रिटायरमेंट के लिए सेविंग करनी है? जब ऑथर ने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया वो इसलिए आसान हुआ क्योंकि वो एक इमोशनल गोल से बंधे हुए थे। उनका गोल था कि वो स्टूडेंट लोन से निकल सके और अपने पहले घर के लिए सेव कर सके, और ये उनके लिए काफी यूफोरिक एक्सपीरियंस था जब उन्होंने अपना कर्जा पे किया। और जब उनकी सेविंग बढ़ने लगी वो नंबर को चेंज होते हुए देख बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते और वो अपने पर्सनल फाइनेंसेस में चेंज देखने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करने लगे। क्या वो अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाते अगर वो किसी इमोशनल बॉन्ड से अटैच नहीं होते? शायद नहीं। वो अपने कर्जे से बाहर निकलने और अपने पेरेंट्स के घर से बाहर निकलने के लिए डेस्परेट थे। उस डेस्परेशन ने उन्हें उनकी जर्नी में मोटिवेटेड रखा। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, और जब हम क्लैरिटी के साथ उस गोल को लिखते हैं तो ये प्लानिंग और भी साफ हो जाती है। तब हम उस गोल को छोटे छोटे गोल में बांटकर उन पर एक एक करके काम करके अपने बड़े गोल की तरफ बढ़ सकते हैं। इससे हम अपने गोल तक हमेशा वक्त पर या वक्त से पहले पहुंच जाएंगे। अपने खर्चे को ट्रैक करें। फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में एक इम्पोर्टेंट स्टेप आपके खर्चे पर नजर रखना है। आप इसे ट्रैक करने के लिए बहुत से ऑनलाइन टूल भी यूज कर सकते हैं, या सिर्फ एक डेट वाली डायरी को भी यूज कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारी डेली के खर्चे क्या हैं, वीकली खर्चे क्या हैं और मंथली खर्चे क्या हैं, कितना हम घर के बेसिक के लिए खर्च करते हैं, कितना हम काम से रिलेटेड खर्च करते हैं, जो जो कैटेगरी हैं, उन सबके खर्चों को नोट करना होगा। आपकी मंथली ईएमआई, लोन, सब कर्जे जहां पर पैसे आपसे निकलकर कहीं और जाते हैं, सभी को ट्रैक करना होगा। सबसे पहले खुद को पे करें। आपने ये शायद कहीं सुना होगा कि पे योरसेल्फ फर्स्ट। अगर आपने ये नहीं सुना है तो इसका मतलब है बिल्स और बाकी चीजों को पे करने से पहले अपने सेविंग अकाउंट में से एक स्पेसिफिक अमाउंट को अलग रखना और खुद को सबसे पहले पे करना। इसने बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में बहुत हेल्प की है। क्यों? क्योंकि अगर आपको खुद को हर महीने $1,000 पे करने हैं और जो भी बचा है उसे बिल्स पे करने हैं, और अगर आपके पास अपने बिल्स को पे करने के लिए इनफ पैसे नहीं है तो आपको साइड इनकम जनरेट करने के लिए कुछ और भी करना होगा।
खुद को सबसे पहले पे करने का मतलब ये है कि आप ये गारंटी लेते हैं कि आप हमेशा इन्वेस्ट करने के लिए अलग से पैसे रख रहे हैं, और अगर आप इसका अपोजिट करेंगे तो आपको हमेशा बचा कुचा ही मिलेगा, जो फाइनेंशियल फ्रीडम को एक्सपीरियंस करने के लिए काफी नहीं होगा। आप दूसरे तरीकों से भी खुद को सबसे पहले पे कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी जॉब में रिटायरमेंट सेविंग प्रोग्राम है, आप रिटायरमेंट के लिए वहाँ पैसे कटवा सकते हैं। इस तरीके से आप खुद पर और फ्यूचर पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। पैसा अपने आप डिडक्ट हो जाता है, तो जो कुछ भी बचता है वो सिर्फ बिल्स पे करने के लिए होता है। कम खर्चा करें। 1958 में वॉरेन बफे ने $31,500 का 5-bedroom घर खरीदा था, जिसे उन्होंने आज तक मूव नहीं किया, और जबकि आज उनकी नेटवर्थ $100 बिलियन के आसपास है। वो इसे बड़ा और ज्यादा एक्सपेंसिव घर अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उनकी कम खर्ची शायद एक कारण है कि वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। दूसरी साइड में केनिया वेस्ट हैं, जो पैसे को खोने से नहीं डरते हैं। वो एक $20 मिलियन के मेंशन में रहते हैं, और एक बार जब उनके ऊपर $53 मिलियन का कर्जा था, तब उन्होंने ट्विटर पर मार्क जुकरबर्ग से $1 बिलियन मांगे। इन दोनों सुपर सक्सेसफुल लोगों के बीच डिफरेंस क्या है? बफे सिर्फ उतना स्पेंड करते हैं जितनी की उन्हें जरूरत है, वेस्ट उतना पैसा स्पेंड करते हैं जितना उनके पास नहीं है। सच ये है कि बहुत सारे अमीर लोग अमीर लोगों की तरह नहीं दिखते हैं। मार्क जुकरबर्ग रोज एक ही बोरिंग टी-शर्ट और जीन्स पहनते हैं। कम चीजें खरीदना एक्चुअल में आपको रिच बनने में मदद करता है। जब आप कम स्पेंड करते हैं तो आपके फेवर में दो चीजें काम करती हैं। पहली ये है कि आपके पास और पैसे होते हैं जिसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अलग रख सकते हैं। दूसरा, आप ये सीखेंगे कि एक्चुअल में आपको सर्वाइव करने के लिए कम चीजों की जरूरत है, जो आपको पैसे अलग रखने में मदद करता है। इसके साथ साथ आप फाइनेंशियल फ्रीडम की कंप्लीट बुक समरी को कूको FM पर भी सुन सकते हैं, जिसमें आप सीखेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने के लिए क्या क्या किए जाने की जरूरत है। आप भी कूको FM को डाउनलोड करके इसके अलावा बहुत से कोर्सेज, हजार ऑडियो बुक्स और बुक समरीज को भी सुन सकते हैं। इसके लिए आपको एक जगह बैठने की जरूरत नहीं है, वॉक करते हुए, ट्रैवल करते वक्त, खाना खाते हुए भी आप इसे सुन सकते हैं। अभी एनुअल मेंबरशिप के साथ चल रहा है 50% डिस्काउंट, मतलब ₹399 की जगह सिर्फ ₹199। इसके लिए जल्दी से RBC50 कूपन कोड यूज करें, क्योंकि ये सिर्फ पहले 250 यूजर्स को ही मिल पाता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। एक्सपीरियंस को खरीदें, चीजों को नहीं। लाइफ बहुत छोटी है, ये इस बारे में नहीं है कि आप 60-65 की एज तक अपना सारा पैसा बचा कर रखें। आपको परमिशन है कि जब तक आप जिंदा हैं, आप लाइफ को एंजॉय करें। अल्टीमेटली जो चीजें आपको ज्यादा फुलफिल्ड लाइफ जीने में मदद करेंगी, वो आपके एक्सपीरियंसेस होंगे, ना कि वो चीजें जो आपके पास हैं। और जो चीज आप खरीद रहे हैं, क्या वो आपको लॉन्ग टर्म में खुश कर रही है? वो कर्जा जो आपने महंगी चीजों को खरीद कर लिया है, क्या वो आपकी लाइफ को आसान बना रहा है? चलो अब कॉइन को फ्लिप करते हैं और देखते हैं आपकी सबसे हैप्पीएस्ट मेमोरी कौन सी है, आप क्या कर रहे थे, आप किसके साथ थे। चलो वैसी और मेमोरीज क्रिएट करते हैं। शायद आपकी कोई दोस्त है जिसके साथ आपको वर्कआउट करना पसंद है, उन्हें घर पर वर्कआउट के लिए इनवाइट करें, या एक डेट नाइट जिसे आपको यादगार बनाना है। आप हमेशा से किसी स्पेशल जगह घूमना चाहते थे, आप सालों से अपने ड्रीम वेकेशन के लिए पैसे सेव कर रहे हैं, बिना गिल्ट के साथ उस वेकेशन पर जाएं। आप इसके कारण कर्जे में नहीं गए हैं, बल्कि आपने इसे अर्न किया है, और आप एक डिजिटल ट्रैवलर बन सकते हैं और काम करते करते दुनिया भर में घूम सकते हैं। लाइफ मोमेंट से बनती है, जिसमें सबसे बेस्ट मोमेंट्स फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने से बनते हैं, जबकि कुछ प्रोडक्ट आपको अपनी फैमिली के पास लाने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि वीकली वीडियो गेम नाइट। इनमें से ज्यादातर कोई वैल्यू एड नहीं करते हैं। इन चीजों पर पैसे खर्च ना करें। आपको ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि आपके पास पैसे हैं। अपने कर्जे को पे करें। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि कर्जा पे करने की बजाय स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करना बेटर है। अगर आप एक एक्सपर्ट स्टॉक पिकर हैं, तो ये आपके लिए सच हो सकता है, लेकिन अगर आपने इससे पहले कभी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया है, तो आप और कर्जे में जा सकते हैं। बहुत सारे लोग सेम फील करते हैं जब वो अपना कर्जा पे कर देते हैं, उन्हें रिलीफ फील होता है। अगर आप $50,000 के कर्जे में हैं और आपके पास $30,000 बैंक में कैश है, तो आप खुद को फाइनेंशियली फ्री नहीं कह सकते हैं। आप अभी भी $20,000 के कर्जे में हैं। हाँ, किसी और को पे करना किसी बैंक में पैसे होने से ज्यादा ग्लैमरस नहीं है, मगर ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के पास जरूर लेकर आ सकता है। यहाँ पर कर्जा पे करने के दो मेन मेथड्स हैं, स्नोबॉल और एवलांच। स्नोबॉल तब है जब आप सबसे छोटे कर्जे को सबसे पहले पे करते हैं, और जब आप कर्जे को सबसे हाई इंटरेस्ट रेट के साथ पे करते हैं, तो उसे एवलांच कहते हैं। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्या काम करता है। लेकिन जब ऑथर कर्जे से फ्री होने के लिए काम कर रहे थे, तो उन्होंने स्नोबॉल इफेक्ट का यूज किया था, और इसने उन्हें और मोटिवेटेड होने में हेल्प की।
जैसे ही उन्होंने अपने पहले कर्जे को पे किया जो कि सिर्फ एक महीने का $1200 का क्रेडिट कार्ड बिल था, उन्हें अकम्प्लिशमेंट महसूस हुई और उन्हें अपने स्टूडेंट लोन को पे करने के लिए मोटिवेशन मिली। और अब जब क्रेडिट कार्ड की प्रॉब्लम नहीं थी तो ऑथर एवरेज से लगभग 3 गुना ज्यादा पे करते, लगभग मिनिमम $300, और एंड में उन्हें सिर्फ 3 साल लगे अपने स्टूडेंट लोन को पे करने में, जिसके लिए उन्हें 9 साल दिए गए थे। एक बड़ा कर्जा पे करके आपके कंधों से काफी सारी चीजें हट जाती हैं। कर्जा पे करने के बाद आप देखेंगे कि आपके बैंक के अकाउंट में पैसे बढ़ते जा रहे हैं, और ये एक बहुत ही औसम वाली फीलिंग है उस नंबर को बढ़ते हुए देखना, और ये आपको मोटिवेटेड रखता है ताकि आप ग्रो करते रहें, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करें। ठीक इस पॉइंट में आप सोच रहे होंगे कि मेरा कर्जा मेरी सैलरी से ज्यादा है, अगर मैं काफी नहीं कमाता हूँ तो मैं कैसे इसे पे ऑफ कर सकता हूँ। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर सीरियस हैं तो आपको थोड़ा खून पसीना और आंसू बहाने पड़ेंगे। आप अपनी 9-to-5 जॉब को मत छोड़िए, उस केस में आपको एक स्टेप और बढ़ाने की जरूरत है और अपनी जॉब के अलावा अलग तरीके से पैसे कमाने के तरीके ढूंढने की जरूरत है। कुछ एक्सपर्ट 7 इनकम स्ट्रीम सजेस्ट करते हैं। अगर आपके पास 9-to-5 जॉब है तो आपके पास एक है, आपको सिर्फ 6 और को बिल्ड करने की जरूरत है। अब आप अपने इनकम सोर्स को 2 तरीके से देख सकते हैं, एक्टिव इनकम जहां आप टाइम देकर पैसा कमाते हैं, और पैसिव इनकम जहां आप सोते सोते भी पैसा कमाते हैं। तो हमें दोनों ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए, एक्टिव भी और पैसिव भी। एक्टिव इनकम के लिए आप पार्ट टाइम जॉब ढूंढ सकते हैं या नई जॉब ढूंढ सकते हैं जहां आपको ज्यादा पैसे मिले। पैसिव इनकम के लिए आप ब्लॉगिंग करना शुरू कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, अपने कोर्सेज को ऑनलाइन बेच सकते हैं, या ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आपकी 7 इनकम स्ट्रीम सिर्फ एक जगह से भी आ सकती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक ई-कॉमर्स एक्सपर्ट हैं, आपकी इनकम स्ट्रीम 7 स्टोर को क्रिएट करके आ सकती है। और याद रखें, आपको 7 स्ट्रीम से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे इसे बिल्ड कर सकते हैं। फ्यूचर में इन्वेस्ट करें, सबसे लास्ट फाइनेंशियल फ्रीडम टिप सबसे इम्पोर्टेंट है। चलो ये कहते हैं कि आपने इस वीडियो की एडवाइस को फॉलो किया और आप कर्जे से बाहर निकल गए और आपने अपनी सेविंग को ग्रो कर लिया। ये काफी होगा आपको अभी के लिए हेल्प करने के लिए, लेकिन तब क्या जब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? बुरे दिनों के लिए पैसा रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, रिटायरमेंट के लिए, या अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली दिक्कत में ना आए उसके लिए। अगर आपके पास 9-to-5 जॉब है, अपनी कंपनी से एक रिटायरमेंट प्लान ऐड करने के लिए बोले, या ये चेक करें कि क्या ऑलरेडी इसके लिए आपसे पहले से पैसे लिए तो नहीं जा रहे हैं। अगर डिडक्शन पहले से ही लिया जाता है तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि आप पैसे लूज कर रहे हैं, और अपनी सेविंग को ग्रो होते हुए देखना काफी अच्छा लगता है। अब आपको इमरजेंसी फंड के लिए इनफ पैसा सेव करना है। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि $10,000 काफी है, और कुछ 6 महीने की सैलरी को काफी मानते हैं, और सच कहें तो ये नंबर काफी हाई लग सकते हैं। अगर आप इनफ पैसे नहीं कमा रहे हैं तो इसके बजाय आपके गोल के साथ शुरू कर सकते हैं, जैसे इस मंथ $100 सेव करके। और जैसे ही आप और एक्टिव और पैसिव इनकम कमाना शुरू करें तो अपने गोल को मंथली $500 कर दें, फिर $500 वीकली, और इसी तरह से आगे भी करते रहें। अगर आपने ज्यादा खर्चा कर दिया है और आपके पास एक बड़ा क्रेडिट कार्ड बिल है तो आप अपने इमरजेंसी फंड को यूज ना करें, और आप और ज्यादा एक्टिव इनकम जनरेट करने पर ध्यान दें ताकि आप इसे तेजी से पे कर सकें। इमरजेंसी फंड से फंड प्लान इमरजेंसीज के लिए है, जैसे आपके घर में अचानक से पेट गिर जाना, एक कार एक्सीडेंट जिसके लिए आपको अपनी जेब से पैसे देने हों, या फिर किसी हॉस्पिटल में विजिट करना हो। बुरे वक्त और रिटायरमेंट के लिए अलग से पैसे रखकर आपके कम चांसेस हैं कि आप वापस उसी जगह आ जाएं जहां से आपने शुरू किया था। तो दोस्तों, बस इन 10 स्टेप्स को फॉलो करें, आई एम श्योर ये 10 स्टेप्स आपको फाइनेंशियली फ्री होने में मदद करेंगे। सबसे पहले ये समझें कि आप आज कहां हैं, पैसे को पॉजिटिवली देखें, अपने गोल्स को लिखें, अपने खर्चे को ट्रैक करें, सबसे पहले खुद को पे करें, कम खर्च करें, एक्सपीरियंस को खरीदें चीजों को नहीं, अपने कर्जे को पे करें, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करें, फ्यूचर में इन्वेस्ट करें। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आशा करते हैं कि इस वीडियो के सभी लेसन को अपनी लाइफ में अपनाकर आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। इसके साथ साथ आप कुकू FM को डाउनलोड करके डिस्काउंट के लिए RBC50 कूपन कोड यूज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें, इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां हम अलग अलग बुक की नॉलेज को डेली शेयर करते हैं। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।